27 मई 1794 न्यूयॉर्क के स्टेटन आइलैंड में कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट का जन्म हुआ। 16 साल की उम्र में कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट ने $100 का लोन लिया, जिनसे उन्होंने एक छोटा सा नाव खरीदा, एक फेरी बोट, और खुद बिजनेस में आ गए। फेरी सिस्टम का बिजनेस उस टाइम पे बहुत कम्पिटिटिव था और अपने शुरुआती समय में बहुत बार उनको हाथापाई भी करना पड़ा बिजनेस करने के लिए। तो उनका बिजनेस तो उसी रेट में था, लेकिन 1812 से सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि 1812 से 1815 तक यूनाइटेड स्टेट्स और इंग्लैंड के बीच में वार लग चुका था। इस वार के कारण कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट को एक कमाल का कॉन्ट्रैक्ट मिला। देखो वार क्यों लगा था वो आप नेट में सर्च करके देख सकते हो, वो मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला। कॉन्ट्रैक्ट ये था कि कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट अपने नाव से वार रिलेटेड जो सामान थे वो न्यूयॉर्क तक शिप करवाना है। वार के दौरान कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट को बहुत फायदा हुआ और 1815 तक वार खत्म होते होते उन्होंने एक नाव से जहाजों का एक फ्लीट खड़ा कर दिया। अगले कुछ सालों के अंदर कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट बहुत अमीर और पावरफुल बन चुके थे, लेकिन धीरे धीरे उनका बिजनेस कम हो रहा था, क्योंकि दूसरे राइवल कंपनीज एक साथ मिल चुके थे कॉर्नेलियस से फाइट करने के लिए। 1853 कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट वेकेशन में गए थे और वैंडरबिल्ट के ना होने का फायदा उठा के उनके कुछ राइवल कंपनीज मिलके वैंडरबिल्ट के वाटर ट्रांसपोर्टेशन रूट पे कब्जा कर लेते हैं। जब वैंडरबिल्ट वापस आकर देखते हैं कि यार उनके जगह पे कब्जा हो चुका है, तो उन्होंने रेस्पॉन्स में उनको एक लेटर लिखा जो अब बहुत ही फेमस वैंडरबिल्ट कोट बन चुका है। वो चिट्ठी में क्या लिखा था आप स्क्रीन में देख सकते हो, मतलब किसी को धमकी देने का सबसे क्लासियस्ट तरीका, और वैंडरबिल्ट ने उनको बर्बाद कर दिया। और फिर 1864 तक उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा शिपिंग एम्पायर खड़ा कर दिया। वैंडरबिल्ट ने एक चीज नोटिस किया कि जहाजों का टाइम धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ चुका है, रेलरोड्स। जहाजों के कंपैरिजन में रेलरोड्स बहुत एफिशिएंट और ज्यादा फास्ट है। वैंडरबिल्ट को समझ में आ गया कि फ्यूचर रेलरोड्स में है, और उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। जितना उनके पास पैसा था, जितने सारे जहाज थे, और अपने सारे एसेट्स सब कुछ बेच दिया और सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया रेलरोड्स पे। देखो एक ऐसा बिजनेस जिनसे वो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बन चुके थे, उस बिजनेस को बेच के एक ऐसे बिजनेस पे इन्वेस्ट करना जो जस्ट मार्केट में आया है, ये बहुत बड़ा रिस्क है। क्योंकि उन्होंने जैसा सोच के रेलरोड्स पे इन्वेस्ट किया, अगर काम नहीं बनता है तो वैंडरबिल्ट सीधा रोड पे आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनका बिजनेस चल गया और उन्होंने सबसे बड़ा रेलरोड एम्पायर खड़ा कर दिया। और 1865 तक वैंडरबिल्ट दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। वैंडरबिल्ट के नाम के आगे कमोडोर टाइटल जुड़ गया और उनका नाम कमोडोर कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट बन गया। सिंपली बोला जाए तो अब तक क्या क्या हुआ, वैंडरबिल्ट ने बचपन में एक नाव खरीदा जिनसे उन्होंने बाद में जाके दुनिया का सबसे बड़ा शिपिंग एम्पायर खड़ा कर दिया। फिर वो सब कुछ बेच दिया, रेलरोड्स पे इन्वेस्ट किया, का सबसे बड़ा रेलरोड एम्पायर खड़ा कर दिया। अब तक चलो ठीक है, लेकिन स्टोरी अब से इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखो एक चीज हम लोगों ने अभी तक नोटिस नहीं किया है, कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट का जन्म 1794 में हुआ था, और मैंने बताया कि 1865 तक वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे, यानी उनकी उम्र 70 साल से भी ज्यादा हो चुका है, उनकी एज 70 प्लस हो चुका है। आज के टाइम पे भी 70 प्लस माने रिटायर होकर घर पे बैठते हैं लोग, लेकिन कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट सिर्फ बिजनेस ही नहीं वो डोमिनेट कर रहे थे कंट्री को। लेकिन कुछ राइवल कंपनीज वैंडरबिल्ट के बूढ़ा हो जाने की वजह से उनको उतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। उनमें से सबसे ज्यादा हडसन रेलवे वैंडरबिल्ट के साथ जितने भी पहले के डील्स थे वो सब कैंसिल कर दिए। कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट को लगा कि अब जो दूसरे राइवल कंपनीज उनको उतना सीरियसली नहीं ले रहे, यानी उनको याद दिलाना पड़ेगा कि वैंडरबिल्ट कौन है। यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा सिटी न्यूयॉर्क था, और न्यूयॉर्क को कंट्री के दूसरे पार्ट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए उस टाइम पे सिर्फ एक ही ब्रिज था, द अल्बानी ब्रिज, और अल्बानी ब्रिज वैंडरबिल्ट का था। और कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट ने अल्बानी ब्रिज को बंद करवा दिया, कुछ लोग हायर किया उसने और ब्रिज पे एक ब्लॉकेट लगा दिया, जिसके कारण से अब उस ब्रिज के ऊपर से कोई भी ट्रेन नहीं चल सकता। अब ट्रेन नहीं चलेंगे तो चीजें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होना बंद हो गया, पूरा बिजनेस बंद हो गया, और धीरे धीरे न्यूयॉर्क सिटी आइसोलेटेड हो गया कंट्री के दूसरे पार्ट्स के साथ। यानी कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट ने सिंगल हैंडेडली यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा सिटी न्यूयॉर्क पे बिजनेस ही बंद करवा दिया। यानी वैंडरबिल्ट अपना डोमिनेंस दिखा रहा था, भले ही वो बूढ़ा हो चुका है लेकिन वो कमजोर नहीं हुआ। वैंडरबिल्ट ने जब ब्रिज को बंद करवा दिया, तो जब ट्रेन चलना बंद हो गए, तो जो दूसरे राइवल रेलरोड कंपनीज थे उनका बिजनेस नीचे जा रहा था, वॉल स्ट्रीट में उनका स्टॉक का वैल्यू कम हो रहा था। अब दूसरे रेलरोड कंपनीज के बिजनेस कंप्लीटली बंद होने से पहले जिन जिन के पास उनके शेयर्स थे वो शेयर्स बेचने स्टार्ट कर दिए। वॉल स्ट्रीट पे एक मैसिव सेल ऑफ हुआ, और जब वैंडरबिल्ट को ये बात पता चला तो उसने सारे शेयर्स खरीद लिए, जिसके कारण से कुछ ही दिनों में उनके बिजनेस का साइज कई गुना बढ़ गया। न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलरोड वैंडरबिल्ट के बिजनेस का सेंटर पीस था। अब जो वैंडरबिल्ट इतना पावरफुल बन चुका है, तो उसको एक फिजिकल सिग्निफिकेंस चाहिए अपने वेल्थ को दिखाने के लिए, और वैंडरबिल्ट ने ग्रैंड सेंट्रल को बना दिया, जो कि न्यूयॉर्क का सबसे ऊंचा बिल्डिंग था और कंट्री का सबसे बड़ा ट्रेन स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल का साइज वैंडरबिल्ट कितना अमीर है, कितना पावरफुल है वो दिखाता है।
ये मास्टरमाइंड प्लान कमाल का था। जो ब्रिज न्यूयॉर्क को दूसरे जगह से कनेक्ट करता है उस ब्रिज को बंद करवा दिया। जब ट्रेन चलने बंद हो गए तो बिजनेस धीरे धीरे नीचे जा रहा था। जब रेलरोड कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस कम हो रहे थे तो वैंडरबिल्ट ने जितना हो सकता है उतने ज्यादा शेयर्स खरीद के कंपनीज को अपना नाम करवा दिया। अभी यूनाइटेड स्टेट्स का टोटल रेलवे बिजनेस में से 40% अकेला वैंडरबिल्ट का है, लेकिन उसको 40% नहीं सारे रेलरोड्स चाहिए और सभी में से एक रेलवे लाइन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। देखो उस टाइम पे न्यूयॉर्क के बाद जो दूसरा शहर सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा था वो था शिकागो, और न्यूयॉर्क से शिकागो तक कनेक्ट करने वाला जो रेलवे लाइन वो सबसे ज्यादा ट्रेवल किया जाता था और उस रेलवे लाइन का सबसे ज्यादा वैल्यू था। न्यूयॉर्क से शिकागो तक कनेक्ट करने वाला रेलवे लाइन ईरी रेलवेज का पार्ट था और ईरी रेलवेज वैंडरबिल्ट रेलवेज का पार्ट नहीं था। यानी वैंडरबिल्ट के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेलरोड एम्पायर था, लेकिन जो सबसे वैल्यूएबल रेल लाइन था वही नहीं था। यानी अपने बिजनेस एम्पायर को कंप्लीट करने के लिए ईरी रेलवेज को वैंडरबिल्ट को खरीदना पड़ेगा। अब वैंडरबिल्ट तो बहुत अमीर है, तो अगर वो सारे शेयर्स खरीद लेता है ईरी रेलवेज के, यानी अगर वैंडरबिल्ट मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन जाता है, मतलब 50% से ज्यादा शेयर्स अगर वैंडरबिल्ट के पास है, तो कंट्रोल उसके हाथ में आ जाएगा और वो ये करने के लिए वॉल स्ट्रीट से जितना हो सकता है उतना ज्यादा ईरी कंपनीज के शेयर्स खरीदने लगा। 1867 न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वैंडरबिल्ट ईरी रेलवेज के शेयर्स खरीदना स्टार्ट कर दिया। वैंडरबिल्ट ईरी रेलवेज पे कब्जा करना चाहता है, ये बात ईरी कंपनी को नहीं पता। जे गोल्ड और जिम फिस्क ईरी रेलवेज पे काम करने वाले दो बंदे थे। उन्होंने एक चीज नोटिस किया कि वैंडरबिल्ट ईरी कंपनीज के शेयर्स खरीद रहा है। थोड़ा और अच्छे से नोटिस करने के बाद पता चला कि सिर्फ वैंडरबिल्ट ही ईरी रेलवेज के शेयर सबसे ज्यादा खरीद रहा है, और थोड़ा डीपली नोटिस करने पर पता चला कि वैंडरबिल्ट सिर्फ ईरी रेलवेज के शेयर से सबसे ज्यादा खरीद रहा है। यानी उनको पता चल गया कि वैंडरबिल्ट ईरी रेलवेज पे कब्जा करना चाहता है। जब पता चल जाता है कौन क्या करने वाला है तो मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। इन्होंने अपने बेसमेंट में एक प्रिंटर लाया और ईरी के शेयर्स खुद प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया और ये नकली शेयर्स वैंडरबिल्ट को बेचना शुरू कर दिया। अब देखो वैंडरबिल्ट को ईरी रेलवेज के शेयर होल्डर तो नहीं बनना, उसको मालिक बनना है, इसलिए डिमांडिंग कंट्रोल लाने के लिए उसको सबसे ज्यादा शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। इससे पहले कि कोई और खरीदे वैंडरबिल्ट को ईरी रेलवेज के शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। इसको बोलता है हॉस्टाइल टेकओवर। यानी गोल्ड और फिस्क जितना ज्यादा नकली शेयर्स प्रिंट करेंगे कंट्रोल लाने के लिए उसको उतना ही ज्यादा खरीदता ही रहना पड़ेगा। स्टॉक्स के नकली शेयर्स प्रिंट करना आज हाईली इलीगल है, लेकिन उस टाइम पे ये आइडिया किसी को आया ही नहीं था। गोल्ड और फिस्क नकली शेयर्स प्रिंट कर रहे थे, ये बात वैंडरबिल्ट को तो पता नहीं था इसलिए वो खरीद रहा था, लेकिन ईरी रेलवेज को भी पता नहीं था। जब ईरी रेलवेज ने असली शेयर्स खुद प्रिंट किए, वैंडरबिल्ट को भी कुछ शेयर्स हैंड डिलीवर्ड किया गया। असली शेयर्स जब उसके पास पहुंचा, उसने जब देखा कि ये क्या है, ईरी रेलवेज के शेयर्स। अगर ये ईरी रेलवेज के शेयर्स है तो इतने दिनों तक मैं क्या खरीद रहा था। आज के हिसाब से ऑलमोस्ट $1 बिलियन के इक्विवेलेंट नकली शेयर्स खरीदा उसने। पैसों का नुकसान तो हुआ ही, उससे भी ज्यादा बड़ा नुकसान सम्मान का हुआ। वैंडरबिल्ट को पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया गया, क्योंकि ये बात न्यूज़पेपर में भी निकल गया। पहले की बात होती तो वैंडरबिल्ट कुछ ऐसा करता कि सभी सामने से आके झुक के माफी मांगते हैं, लेकिन अभी वो 73 प्लस हो चुका था। यानी अभी इतना बूढ़ा हो चुका है कि अभी उसको फाइट नहीं करना, बस अपने कंपनी में स्टेबिलिटी चाहिए। देखो जितना भी लड़ाई हो रही है ज्यादातर पैसेंजर ट्रेन्स के लिए हो रही है, तो वैंडरबिल्ट ने अपना फोकस दूसरे चीजों पे लगा दिया। अपने ट्रेन्स को चलाए रखने के लिए उसने एक नया चीज ढूंढ लिया, केरोसिन। रिफाइनरी से निकल के कस्टमर तक वैंडरबिल्ट पहुंचाएगा अपने ट्रेन्स में। उसने एक ऑयल बिजनेसमैन के साथ एक मीटिंग रखा, एक जवान लड़का जो अपने ऑयल बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा था। वैंडरबिल्ट को लगा कि इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, जो बाद में वैंडरबिल्ट बुरी तरह से पछताने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये स्ट्रगलिंग यंग ऑयल बिजनेसमैन कौन था? ये था जॉन डी रॉकफेलर। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर